यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवन करी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण ज्ञान Gnada Sivasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gnada Sivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hari Rama Iva Kevalam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna सभी लोग आइए हरि नाम को लीजिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सभी लोग ताली बजाते हुए गाइए हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Jaya Krishnabalaram, 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 Jaya Krishnabalaram. Jaya Raja Shamasundaram, Shamasundarade. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada, 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 Jaya. श्रील प्रभुपाद जी महाराज की चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन युग धर्म की गौर भक्तवृंद की आप सब की ठीक है। आप सभी वैष्णव हैं, आपकी भी होना चाहिए। एक एक वैष्णव पूजनीय हैं जो प्रभु के नाम लेते हैं, आदरणीय हैं सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 35। श्लोक संख्या 35 है।
जया स्वप्रम भयम् शोकम् विषादम् मदमेव च न विमुचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी जया स्वप्रम भयम् शोकम् विषादम् मदमेव च न मुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी जया स्वप्रम भयम् शोकम् विषादम् मदमेव च न विमुचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी जी जया जिससे स्वप्नम स्वप्न भयम् भय शोकम् शोक विषादम् विषाद क्या है खिन्नता खिन्नता मदम् मोह को एव निश्चय ही च भी न कभी नहीं विमुचन्ति त्यागती है दुर्मेधा दुर्बुद्धि धृति धृति स वह पार्थ हे पृथापुत्र तामसी तमोगुणी हो गया ना तमोगुण यही है ना अनुवाद तात्पर्य हे पार्थ जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है तात्पर्य इससे यह
अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि तमोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं आन क्षमा करना आप लोग बात में ही अक्षर है छोटा छोटा इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसिक हो। स्वप्न तो प्रकृति की घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते तो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते। जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं और जिनके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसी धृति वाले कहे जाते हैं। बहुत स्पष्ट है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सो नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदा कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत मीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदयाल कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाते हैं। पहले भी आपने सुना होगा संतों से, वैष्णव लोगों से, सतगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है, रजगुणी व्यक्ति का लक्षण क्या है, तामसी जो तमोगुणी हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, यहाँ पर बताते हैं। इसका जो ऊपर का शीर्षक है वह है कि उपसंहार, संन्यास की सिद्धि बताते हैं प्रभुपाद जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो धृति स्वप्न
स्वप्न देखते हैं लोग, स्वप्न की अवस्था दो है। एक स्वप्न है कि आदमी जब रात्रि में गहरी नींद में जाता है तो कोई न कोई स्वप्न में घूमता है रात्रि में सोते वक्त। कभी कभी इतना बढ़िया स्वप्न देखता है, जग जाने के बाद चिंता करता है कि बड़ा बढ़िया स्वप्न था। उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो स्वप्न है, उस स्वप्न में सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है। कभी कभी इतना खराब स्वप्न आता है कि व्यक्ति सोचता कि कब जगूं, और खराब स्वप्न में भय से भागना भी चाहता है, वो भाग नहीं पाता है, तोड़ नहीं सकता, वहाँ से स्वप्न छुटकारा नहीं लेता है। मुंह सूखा रहता है, कांपता है, कभी कभी देखता है कि हम सोए हैं, हमारे शरीर के ऊपर शेर ने, हाथी ने अपने पैर को रख दिया है, मैं छटपटा रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति को कष्ट भय कब तक है? जब तक वो नींद में है। नींद खुलते कोई हाथी नहीं है, कोई पसीना नहीं है, कोई मुंह सूखा नहीं है, वो स्वप्न है। वो तो एक तो स्वप्न व्यक्ति देखता है गहरी नींद में, स्वप्न देखता है। या यदि आप कोई दिन में कोई चीज़ को देख लो या गहराई से सोच लो, सोते समय कुछ बात कर लो, फिर भी स्वप्न में कुछ आता है, उस स्वप्न में सच्चाई नहीं होता है बहुत। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह के स्वप्न देखने से सत्य निकलता है 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद तो संत लोग सोते ही नहीं है, स्वप्न कहाँ से देखेंगे? वो तो रात में स्वप्न देखते हैं कि सुबह 3 बजे उठना है, ये स्वप्न देखते हैं। एक स्वप्न व्यक्ति देखता है जागृत अवस्था में, सुबह से शाम तक स्वप्न में ही डूबा रहता है। सुबह उठूंगा, आज हमारे बच्चे पत्नी बहुत अनुकूल हैं, खुश नजर आ रहे हैं, अभी मैं ये काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा, ऐसे पैसे लाऊंगा कि बच्चे पत्नी खुश हो जाएंगे, बगल वाले के पास बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, उससे बढ़िया बना करके दिखाऊंगा। ये भी एक स्वप्न है। जो चीज़ प्राप्त होने वाला नहीं है उसके विषय में भी सोचना, यह स्वप्न है जागृत अवस्था में। कुछ लोग संतों को कहते हैं कि ये संत लोग पैसा हो ना हो खुश बहुत रहते हैं, ये लोग बड़ा आनंद में इनका चेहरा दिखता है। उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि 2-2.5 बजे से वो भक्त लोग जो खुश रहते हैं, वो 2-2.5 बजे से पानी सिंचाई चालू कर देते हैं, उस फल में से मीठा फल निकले। सिंचाई का मतलब यहाँ श्रवण कीर्तन जल करे सिंचन, श्रवण कीर्तन रूपी जल से भक्ति की जब सिंचाई करते हैं तो उसमें से फल आता है, और वो फल इतना मीठा है, इतना सुस्वादु है, इतना टेस्टी है, इतना देखने में बढ़िया है कि वो भक्त हमेशा उसको देख के खुश हो जाता है। तो दिन में भी लोग स्वप्न देखते हैं, मनोरथ जिसको कहते हैं, मन के रथ पर बैठ जाता है और दिन भर मन घुमाता है। कहाँ घुमाता है? जहाँ जहाँ दूसरों ने प्रगति कर लिया है, उस प्रगति को देख करके मन घूमते घूमते सोचता है, जब शाम होते होते कुछ नहीं आता है, कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो आहत होकर के गिर जाता है कि प्राप्त नहीं हुआ, चलो कल देखते हैं। ऐसी रात्रि में लोग सपना देखते हैं, दिन में सपना देखते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, उस व्यक्ति को शोक है, भय है, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ये सभी मोहग्रस्त हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए, वैष्णव जनों को, भक्तों को जान लेना चाहिए, यहाँ का कोई भी संपदा, यहाँ की कोई भी वस्तु, सुंदर से सुंदर चीज़ें, वो हमारी नहीं है। प्रभुपाद जी अपने पत्र में लिखते हैं कि जो वस्तु आप देखते हो आपको सीधे सोचना चाहिए कि मेरा नहीं है। कैसे?
कैसे मेरा नहीं है भाई। आते समय बहुत सब बच्चे जन्म लेते हैं और देखा जाता है कि उसकी मुट्ठी बंद रहती है, मैया मुट्ठी खोलती है तो उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ है ही नहीं उसमें। तो हमारे पिताजी माताजी भाई बंधु बांधव सब ऐसे ही आए हैं, हम भी ऐसा ही आए हैं। तो यदि कुछ ले करके नहीं आए थे तो फिर ये वस्तु हमारी कैसे है। बहुत समय देखा जाता है कि बहुत लोगों की अंतिम विदाइयाँ हो जाती हैं और विदाई होने के बाद चला जाता है, हाथ खुला रहता है, देखा जाता है कि जो संपत्ति संग्रह किया था वो उसका साथ गया नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ का कोई भी वस्तु हमारा नहीं है, कोई चीज़ हमारा नहीं है, यहाँ तक कि शरीर भी अपना नहीं है। संपदा के बाद छोड़ दें, शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है वो हमारी नहीं है। मन में स्वाभाविक जिज्ञासा हो सकता है कि यदि वो वस्तु हमारी नहीं है तो फिर किसकी है, इसका मालिक कौन है। यदि मालिक है इसका कोई तो कहाँ रहता है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, ये सब कुछ हमें क्यों प्रदान किया है। ये बात सोचने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बात जो सोचता है वही तामसिक और राजसिक दोनों तत्वों से बच जाता है। बाकी यदि ये बात कोई नहीं सोचता है वो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, भय से ग्रस्त रहता है, दिन भर उसके चेहरे उदास रहेंगे, मन परेशान रहता है, दिन भर घूमता है, शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा, क्योंकि सुख का स्रोत तो जानता नहीं है। तो व्यक्ति भयभीत रहता है, शोकग्रस्त रहता है, शोक से संतप्त रहता है, मन में विषाद भी रहता है। देखो ना, इतना परिश्रम किया, बगल वाले घर में कितना चहल पहल है, हमारे घर में तो अकाल पड़ा हुआ है, पता नहीं दूसरे के संपदा को देख करके विषाद हो जाता है, दूसरों को सुख। आज संसार में अपने दुख से कम हम परेशान हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशानी है हमें, मन बड़ा परेशान रहता है, दूसरा सुखी कैसे हो गया, ये उससे ज़्यादा परेशानी है। तो वो व्यक्ति क्या रहता है, भयभीत रहता है, स्वप्न में डूबा रहता है, शोकग्रस्त रहता है। जो संपदा उसको मिला है, संपदा नहीं है, उस संपदा को कैसे प्राप्त हो, इसलिए भी शोकग्रस्त है। और जो संपदा उसको मिली है उसकी कैसे रक्षा करूं, इसलिए भी वह हमेशा ग्रस्त रहता है, विषाद रहता है, नहीं प्राप्त होता है। शोक है, विषाद है तथा मोह के परे नहीं है। मोह माने अज्ञान, अंधकार। जिसके पास मोह है, मोह माने आसक्ति भी है, अज्ञानता भी है। मोह का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि रस्सी में सर्प का भ्रम कर लेना, ये मोह है। रस्सी रात्रि में कभी कभी चलते हैं ना, तो कुछ कुछ लाइट सा होता है तो क्या देखते हैं, चौंक जाते हैं कि ये सांप पड़ा हुआ है, वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना ये मोह है, ये अज्ञानता है, ये अंधकार है। ये उसी प्रकार संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं है, उस वस्तु का अपना मान लेना। मैं आपको एक छोटा सा भौतिक स्तर पर उदाहरण देता हूँ। हमारे आश्रम के बाहर एक एसी लगा हुआ था, उस एसी में गिलहरी रहती थी, खराब कर दिया था सब, कल परसों भक्त लोगों ने उतरवा लिया उसको, और वो बेचारी बहुत परेशान है उस घर के लिए, एसी में बैठती थी वो बहुत परेशान है, घूम घूम के घर में आ रही है, चिल्ला रही है, हम आ रहे थे तो रो रही थी, मुझे दया आ रहा था कि इसका घर उजड़ गया, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आता है, दूसरा लगाएंगे फिर भी ये घर बनाएगी है, उसको ये पता नहीं है। उसी प्रकार हम लोग
यहाँ घर हमारा नहीं है, यहाँ जो भी बनाए हमारी वस्तु नहीं है, और जो बिगड़ जाता है फिर गिलहरी के जैसे रोते हैं हम, अरे हमारा टूट गया लूट गया। भाई यहाँ का हम है ही नहीं, यहाँ का कोई वस्तु हमारे साथ है ही नहीं। हमें जीवन में त्याग भी सीखना चाहिए, त्याग से ही भगवान प्राप्त होते हैं। चाहे कोई भी वस्तु, आप जैसे बच्चे लोग घर गृह त्याग करके जब चले जाते हैं हॉस्टल में, तब कुछ ज्ञान मिलता है। संत बनने के लिए भी त्याग की हो सकता है, आपको त्याग से ही प्राप्त हो सकता है, त्याग में ही सुख है, त्याग में ही शांति है। तामसिक व्यक्ति लोगों के ऐसे पास त्याग नहीं है। एक बार दो बालक थे, छात्र थे, स्कूल से जा रहे थे, तो एक बालक ने कहा कि देखो भाई, कुछ भी हो, संसार में जब तक त्याग नहीं सीखोगे ना, पार नहीं हो सकते, शांति नहीं मिलेगी, इस संसार से पार भी नहीं हो सकते हो। अब एक ने, जिसके पास पैसा था, बोला कि नहीं नहीं तुम गलत बोलते हो, सब आनंद है, संसार के हर वस्तु अपने पास होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया वस्तु हमारे घर में होना चाहिए, पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए। बोले कि नहीं भैया, फिर भी त्याग में शांति आनंद बहुत है, संसार से पार होना चाहते हो तो तुमको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। चलते चलते नदी आ गई, नदी पार करना था, नौका वाले को बुलाया, नौका पर जब चढ़ने लगे तो बोले कि अब तो मान गए ना कि भाई पैसा धन संपदा जरी रहेगा तभी आप नदी पार कर सकते हो, अब नौका पर बैठे हो। और जो कहता था ना कि त्याग से ही भगवान मिलते हैं, पार होता आदमी, उसके उसके कुर्ता में जेब ही नहीं था, पैसा तो था ही नहीं, जेब ही नहीं था। नौका पर चलते चलते दोनों बड़े अपने अपने बात पर अड़े हैं, एक बोलता है कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, एक बोलता है कि नहीं पैसा के बिना पार हो सकते हैं हम। जब नाविक ने किराया मांगा तो क्यों, अब तो मान गए मेरी बात ना, अब बिना पैसे के नहीं जा सकते तुम। बोले कि नहीं भाई, अभी भी हम पैसे के बिना ही जा सकते हैं, पार हो सकते हैं। बोले तुम्हारी भी किराया दे दूँ? बोले कि ठीक है दे दो, तुम्हारी मर्जी। उसने दे दिया। बोला कि अब तो मान गए? बोले कि नहीं, अभी भी मैं यही कहता हूँ कि त्याग से ही व्यक्ति पार हो सकता है। बोला कैसे? बोले कि जब तुमने पॉकेट के पैसा त्याग किया तभी नदी पार किया तुमने, पॉकेट में रखा होता तो पार नहीं हो सकते थे तुम। तो ये जो त्याग है जीवन में, जो वैराग्य है, जो विरक्ति है, हमें नहीं कहते हैं कि आपके पास घर मकान है, पैसा है, ऐश्वर्य भोग है, सब लुटा दो। नहीं, आप घर में ही रहो, स्थाने स्थित श्रुतिगता, अपने अपने स्थान में ही रहो, ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी जो हो वहीं बैठे रहो, लेकिन अंदर से त्याग होना चाहिए आपको कि हम रह तो रहे हैं लेकिन हमारी कोई वस्तु नहीं है। जैसे अभी आप लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, आप आए थे तो ऐसा ही आए थे, लेकिन इसमें बहुत कुछ चीज़ है। अब ऐसा कुर्सी पर बैठे हैं, एसी भी चल रहा है और सारी सुविधाएं भी यहाँ प्रस्तुत है, तो आप जाते समय कहेंगे सब उठा के चलो? नहीं, नहीं जा सकता है, जैसे आए हो वैसे ही जाना पड़ेगा आपको। ये बात सीखना है घर में भी कि बढ़िया बढ़िया सोफे पर बैठे थे एक घंटा, कुर्सियाँ पर बैठे थे हम एक घंटा, ठंडी हवा भी ले रहे थे एक घंटा, लेकिन कब तक बैठे, कब तक रहना है? जब तक यहाँ रहना है, जाने के बाद यहीं छोड़ के जाना है। तो ये बात, जो जिनके पास भय है, विषाद है, शोक है, मोहग्रस्त हैं, वे सब मोह के परे नहीं जाती, ये लोग मोह से परे नहीं जाते हैं, संसार में दुखी रहते हैं। इसके लिए कहते हैं प्रभुपाद जी, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। वो उनकी बुद्धि ठीक नहीं है, दुर्बुद्धि है, बुद्धि कृष्णमती नहीं है,
धर्ममति नहीं है, इसलिए उनको तामसिक कहते हैं। तमोगुण का मतलब ये भी होता है कि तामसिक व्यक्ति भगवान को तो मानता नहीं, दूसरा भगवान को मानने वालों को भी गाली देता है। भगवान को मानेगा नहीं, जो मानता उसको भी कहेगा कुछ भगवान वगवान कुछ नहीं है। उसको नींद बहुत आती है, सोने में बहुत रुचि रहती है ऐसे व्यक्ति का। लड़ाई झगड़ा हो, दूसरे की निंदा सुनना हो तो घंटे बैठ सकते हैं। दूसरे की बात सुनने में हमारी कान बहुत कुशल है। दूसरे की बात चर्चा हो तो हमारा मन नहीं उबता है, बोर नहीं होते हैं, अशांति भी नहीं होती है। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, क्या क्या किया उसने। और सत्संग में नींद आती है। यदि ये घंटे भगवान की कथा सुननी हो तो सत्संग में बैठ करके हम सोचेंगे कि कब खत्म हो या कब फ्री हो जाए, ये बंधन महसूस करते हैं। ऐसे तमोगुणी व्यक्ति लोग जो भगवान के पास कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे तमोगुणी तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। जो सतगुणी लोग हैं, श्री राधे 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 फांसीदा होकर सुना आप लोग, क्या कह रहा था मैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका मतलब है ये नहीं सोचना चाहिए कि सतोगुणी व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता है। स्वप्न वो भी देखता है, बड़ा बड़ा स्वप्न देखता है। कैसा स्वप्न देखता है, मेरे पास पैसा होता तो मैं बड़ा बड़ा भंडारा करता, ऐसा स्वप्न देखता है। मेरे पास पैसा होता तो बड़ा बड़ा मंदिर बनाता मैं, जैसे प्रभुपाद जी स्वप्न देखते थे। प्रभुपाद जी जाते थे विदेशों में, एक जगह गीता नगरी जगह है, प्रभुपाद जी वहाँ जाके बोले कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, जंगल है बिल्कुल चारों तरफ से, यहाँ मंदिर होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कह दिए कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, वहाँ मंदिर बन जाता था। ये भी एक स्वप्न है। ऐसा स्वप्न देखना, शाम को जल्दी पत्नी से कहें आज ही देवी जी सुनती हूँ, जल्दी जल्दी सो जाते हैं, सुबह 3:30 बजे उठना, ये भी एक स्वप्न है। शाम को स्वप्न देख लिया, 3:30 बजे उठना है। देवी जी कहते हैं कि हम सोचते हैं कि 3:30 बजे नहीं 2:30 बजे ही उठ जाते हैं, मंगला आरती से पहले 8-10 माला घुमा लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं, ये भी एक स्वप्न है। ऐसे भी सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सतगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निंद्रा है, गहरा निंद्रा, गहरे नींद में सोना। कभी कभी ऐसे नींद आती है ना कुछ लोगों को, कुछ लोग ऐसे सोते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए रूम के अंदर पता ही नहीं चलता उनको। कुछ लोग ऐसे भी सोते हैं कि थोड़ी आवाज़ें जग जाते हैं, ऐसे भी। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वप्न का मतलब गहरी नींद में सो जाना। और नींद तो आप समझते हो कितना खतरनाक है भक्तों के लिए, ज़्यादा गहरे नींद में नहीं जाना चाहिए। नींद ऐसा होनी चाहिए कि हमारा ये कॉन्शस रहे कि मैं सो रहा हूँ, निंद्रा है। स्वप्न सदा आता है, स्वप्न आता रहता है, चाहे वह सात्विक हो या राजस हो या तामसी। सतगुणी व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, रजोगुणी व्यक्ति भी स्वप्न देखता है, और जो तामसिक है वो भी स्वप्न देखता है। तीनों स्वप्न देखते हैं। स्वप्न तो प्रकृति की घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक स्वप्नों को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते,
जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये पूरा संसार हमारा हो जाए, कुछ लोग तो ऐसे अतृप्त रहते हैं कि यदि उनको इंद्र का भी पद दे दिया जाए फिर भी कम लगता है उनको, फिर भी बड़ा कम लगता है कि ये बहुत कम है मेरे पास, और होना चाहिए। दीन कहे धनवान सुखी, एक गरीब व्यक्ति कहता है कि धनवान बड़ा सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी। धनवान व्यक्ति कहता कि नहीं नहीं मैं सुखी नहीं हूँ, राजा सुखी है, हमसे ज़्यादा उसके पास वैभव है। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहता कि नहीं नहीं हमसे जो महाराजा है ना उसके पास ज़्यादा ऐश्वर्य है, वो ज़्यादा सुखी है। उससे पूछा गया कि भाई तुम महाराज हैं तुम ज़्यादा सुखी हो, बोले कि नहीं। महाराजा कहे सुख इंद्र के भारी, वो महाराजा कहते कि नहीं नहीं हमसे ज़्यादा सुखी इंद्र हैं, इंद्र के पास बहुत वैभव है, बहुत ऐश्वर्य है, वो ज़्यादा सुखी हैं। इंद्र से पूछा गया कि अब ज़्यादा सुखी हैं, बोले नहीं नहीं मैं तो बाहर दुखी रहता हूँ। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ज़्यादा सुखी हैं, हमसे बड़े पोजिशन पद पर। ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आप सुखी हैं, बोले कि ना भैया हम बिल्कुल सुखी नहीं हैं, कृष्ण के भजन के बिना राम के भजन के बिना सबनर दुखी, भगवान के भक्ति के बिना संसार में सभी कंगाल हैं, गरीब हैं, सभी दुखी हैं, यहाँ पर सभी परेशान हैं। आप भगवान के भजन करो, प्रभु के नाम लीजिए, उनके सत प्रभुपाद जी बोलते हैं अपनी कथा में, चिंतन करते हो, मंगला आरती में करते हो तो बिल्कुल भगवान के सामने खड़े होते हो, और जब भगवान के जप करते हो तो भगवान से आपका आदान प्रदान हो रहा है। जप तो एक ऐसा चीज़ है, भगवान में भगवान के नाम में कोई अंतर है नहीं, तो जप एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा तत्व है कि भगवान को आमने सामने दिखाता है। ये नाम नाम कारी बबुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने इस कलयुग में अपने नाम में तमाम शक्तियों को डाल दिया। नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम नामी में क्या अंतर है। इसलिए यदि आप भगवान के साथ, कुछ लोग प्रभुपाद जी से पूछे कि आप निरंतर जप करने के लिए क्यों कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि निरंतर सदा जप करने से भगवान से आपका संपर्क बना रहेगा, भगवान से आपका संपर्क जुड़ा रहेगा जप करने से। इसलिए राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहो हमेशा। तो यहाँ पर स्वप्न देखते रहते हैं और संसार पर प्रभुता, संसार के ऊपर अपना प्रभाव डाल के रखना चाहते हैं। संसार पर नहीं डलता है तो चलते हैं सोचते हैं चलो पड़ोसियों पर डालूं, पड़ोसी पर भी नहीं डालते हैं चलो घर पर अपना अधिकार दिखाऊं। अधिकार यहाँ किसी का कुछ नहीं है, ऐसे सोचने वाला व्यक्ति तमोगुणी है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति तमोगुण से परे नहीं हो सकता कभी भी। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते। भौतिक चीज़ों को हम भोगना चाहते हैं, संसार में जितना बढ़िया से बढ़िया वस्तु है, जितना बढ़िया से बढ़िया चीज़ है, हम सोचते हैं कि वो चीज़ मेरे पास होना चाहिए। वास्तव में शास्त्र के अनुसार हम भोग को नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोगता है, हमें पता नहीं चलता है। विश्व कहते हैं कि हम भोग कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम भोग नहीं कर रहे, भोग तुमको भोग लेता है। जैसे आज देखिए नए नए सब पिक्चरें आ रही हैं, नए नए फोटो आ रही हैं, प्रतिदिन नया नया आविष्कार हो रहा है। आँख देखते देखते भोग करते करते भोग ने आँख को भोग लिया, आँख कमजोर हो गया, आँख धूमिल हो गया, जिह्वा संसार के हर रस को लेते लेते हर भोग को खाते खाते आज जिह्वा कमजोर हो गई, यानी
जिहवा के विषय ने, भोग ने जिहवा को भोग लिया, हम नहीं भोगे। पूरे शरीर के इंद्रियों को संसार के विषय ने भोग लिया। कान के गाना सुनते सुनते कान धूमिल हो गया, कान समाप्त हो गया, लेकिन गाना समाप्त हुआ थोड़ी। आँख से पिक्चर देखते देखते आँख धूमिल हो गया, लेकिन क्या पिक्चर खत्म हो गई? वो तो ताजगी उसमें ऐसी बना हुआ है। संसार के हर विषय में ताजगी बनी हुई है, लेकिन संसार के हर वस्तु ने हमें भोग लिया। इसलिए जीवन में त्याग सीखना है, वैराग्य सीखना है, विरक्ति सीखना है, और ये बात ठीक से समझ में आ जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए, मन को समझा देना चाहिए कि यहाँ का कोई भी वस्तु हमारे हाथ में नहीं है, शरीर भी नहीं है। शरीर को संभालते संभालते, शरीर को संभालते संभालते आज यहाँ पहुँचा है। शरीर नहीं संभला, संसार के हर भोग में ताजगी बनी हुई है, आज भी भोगना चाहता है, अंदर ताकत नहीं है भोगने की। पड़ा हुआ 56 प्रकार के यहाँ भोजन देख करके प्रणाम कर लेता है, भैया ले जाओ तू, वो भोग लिया हमें। अरे एक ले लीजिए, एक खाइए मिठाई, इसमें से राजभोग खाइए, बोले डायबिटीज है, चलो समोसा खा लो, बड़ा बढ़िया नमकीन बना, नहीं नहीं बीपी भी है साथ में। यानी संसार के भोग ने हमारे को भोग लिया है, फिर भी भोगने की इच्छा समाप्त नहीं हो रही है। हमें त्याग सीखना है, वैराग्य सीखना है। प्रभुपाद जी वैराग्य सिखाते हैं, त्याग सिखाते हैं कि आप संसार में रहकर वैराग्य कैसे सीख सकते हो, वैरागी कैसे बन सकते हो। सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप मन से उसको त्याग चुके हो। मन से आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब भगवान का है। ये बात सोचना है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वप्न देखते हैं और संसार के ऊपर अपना प्रभुत्व, मालिक बनना चाहता है जीव, मालिक बनना चाहता है, दास तो बनना ही नहीं चाहता है। जिसके प्राण मन तथा इंद्रियां इस प्रकार लिप्त रहती है, मन प्राण इंद्रियां सभी विषयों में लगी रहती है। एक राजा थे और राजा के महल के सामने एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। गरीब ब्राह्मण थे बेचारे, दोनों पति पत्नी थे। राजा के महल से उनका घर दिखता था। वो दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न रहते थे, कुछ था नहीं, बहुत अकिंचन थे, बहुत गरीब थे, कुछ था नहीं। एक दिन राजा ने कहा मंत्री से, मंत्री जी हमारे पास सब कुछ है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, इस महल में हर भोग हर वस्तु उपलब्ध है, फिर भी हमारे जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। वो सामने देखो पंडित जी को, बड़ा खुश है। बोले कि जी खुश तो हैं वो। तो बोले कि क्या कहना चाहते हैं? बोले कि उनके पास कौन सी ऐसी वस्तु है जो खुश है? बोले कि हमें 99 रुपया दीजिए, 100 रुपया में 1 रुपया कम, 99 रुपया दीजिए। और वो 99 रुपया पंडित जी को ले जा करके दे दिया। 99 दे दिया, पंडित जी के हाथ में जैसे पैसा गया, पंडित जी ने कहा कि इसको 100 बनाना है मुझे। अब 100 बनाते बनाते पंडित जी 10 दिन लग गया, 20 दिन लग गया, महीना बीत गया। पंडित जी के घर में जो खुशी आनंद था वो खत्म हो गया, हंसी वसी सब खत्म हो गई। बोले कि राजा साहब ने पूछा कि आजकल पंडित जी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, हर खुश नहीं है, हंसते नहीं हैं। बोले कि 99 के चक्कर में है वो भी, हम लोग भी उसी चक्कर में, कैसे 100 पूरा हो जाए, ये होगा नहीं। त्याग में वैराग्य में बहुत आनंद है, सुख है,
अकिंचन भाव से भगवान भी कुंती जी कहती हैं नमः अकिंचन बीताय। हे प्रभु, आध्यात्मिक दृष्टि से जो धनवान है, भौतिक दृष्टि से जो गरीब है, उस अकिंचन भक्त के आप परम धन हैं। नमः आपको प्रणाम करती हूँ। नमः अकिंचन बीताय, बीत माने धन। आप अकिंचन गरीब भक्तों के परम धन हो आप। नमः अकिंचन बीत, निर्वृत्ता भगवान के परिचय देती हैं। निर्वृत्ता गुणवृत्त, आप प्रभु प्रकृति के गुणों से परे भी हैं, आत्मा राम भी हैं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। आत्मा राम आय शांत आय, आपके जैसा प्रभु कोई शांतिमय जीवन किसी का नहीं है। कैवल्य पते नमः, आप इस जगत के तो है ही हैं, आप वैकुंठ के भी पति हैं। आप जीवन में अकिंचन भाव आ जाए, धन के अभाव आपके जीवन में ना खड़े, फिर अपने जीवन को देखिए। एक बार संत लोग बताते हैं भक्तमाल में कि एक बार सूरदास जी पद लिखते थे ना भगवान का, उनको दिखता नहीं था लेकिन अंदर वाली आँख ठीक थी उनकी, बड़ा मजबूत था आँख। सूरदास जी पद लिखते थे, सूरदास जी के पद को बड़ा लोग आदर करते थे, देश का बादशाह भी आदर करता था। अब पद लिख लिख करके पंडित जी लोग बाद में सूरदास जी के नाम लगा दें, भाई सूरदास जी के पद को बड़ा ये राजा आदर करता है, तो सूरदास जी के नाम लेने से हो सकता है ठीक हो जाए। राजा भी जो बादशाह था, मुगलों का राज्य था, उसने बोला कि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि सूरदास जी का ये पद हो सकता है। सूरदास जी का पद तो अंदर में टच करता है जा करके, सूरदास जी का ऐसे पद है। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, ऐसे ऐसे पद लिखे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, निशदिन बरसत नैन हमारे, आंखों में बरसात आ गया है भगवान के विरह में। बादशाह ने कहा कि एक सूरदास जी के पद का पक्ति लिया और एक आम लोगों के पद की पक्ति लिया और पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद में सूरदास जी का जो पद का पक्ति था वो पानी में गला नहीं, और जो नकली था वो गल गया। बोले कि ये सूरदास जी का पद है ये। ब्राह्मण लोग वहाँ बैठे थे, कवियों का वहाँ बड़ा जमावड़ा था। सूरदास जी कहीं बैठ करके भगवान के साथ तानपुरा लेकर गा रहे थे। सूरदास जी गा रहे थे तो सूरदास जी को बादशाह ने कहा कि उनको बुला के लाओ। सूरदास जी चलिए, इस देश के बादशाह ने आपको याद किया है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। सूरदास जी ने कहा कि मेरा जीवन का दुर्भाग्य यही है कि वो बुला रहा है। सूरदास जी चले गए, आज्ञा थी। सूरदास जी दरबार में पेश किया गया। सूरदास से कहा गया कि बादशाह जी बैठे हैं, मालिक बैठा है, इनको कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने कहा कि हमारे दृष्टि में तो एक ही मालिक है, मैं उसी का उसका भजन गाता हूँ और उसी को सुनाता हूँ, मैं दूसरे मालिक को जानता ही नहीं हूँ। किसी ने इशारा किया, कोई बात नहीं, दो चार सुनाओ। सूरदास जी ने दो चार पंक्तियाँ सुना दिया भगवान का। सुनाने के बाद में सूरदास जी से पूछा बादशाह ने कि अच्छा सूरदास जी दरबार में आए हो पहली बार, आपको क्या चाहिए? मन खोल करके मांग लो, जो वस्तु मांगोगे, मांगने में विलंब हो सकता है, देने में देर नहीं करूँगा। सूरदास जी तो वीतराग से मुक्त संत हैं, और जो वीतराग से मुक्त है उसको क्या चाहिए? सूरदास जी ने कहा कि आप मेरे भजन से आप प्रसन्न हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल प्रसन्न हूँ। बोले कि आज के बाद यदि मेरे प्रसन्न हो तो आज के बाद मेरे को कभी मत बुलाना यहाँ। सफा बड़ी है दरबार कवियों से,
देश के राजा लोग वहाँ एकत्र हैं। आज के बाद इस दरबार में कभी मत बुलाना और न मेरे से मिलने के लिए आना। और सूरदास जी कह करके निकल गए वहाँ से। जिनको भगवान से लगन लगाना है, भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान से संबंध स्थापित करना है, उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं। इसीलिए हमारे पूर्व काल में, भूत काल में बहुत ऐसे महात्मा हैं, बहुत ऐसे राजा हैं जो संसार के भोग से मुक्ति लेकर के, वित्त राग से मुक्त होकर के, वित्त माने धन, राग माने आसक्ति, इन दोनों से नाता तोड़ करके और भगवान के पास पहुंच गए सब। ये हमें भी सीखना है इस बात को, धीरे धीरे संतों की कृपा से, धीरे धीरे सत्संग से ये बात जरूर सीखना चाहिए हमें। वैराग्य सीखना चाहिए, विरक्ति सीखना चाहिए। देश के बड़े बड़े राजा लोग, आप अमरीश समाज की कथा सुने होंगे, हरिश्चंद्र जी की कथा जानते हैं आप सभी, भागवत में प्रसंग आता है, ये सब देश के राजा थे। अमरीश महाराज देखिए, राजा होने के बाद भी शरीर राजा है लेकिन मन प्रभु का सेवक है। भगवान को भोग लगाते हैं, अपने हाथों से चक्की चला करके आटा निकाल के प्रभु को भोग लगाते हैं, वो राजा हैं। एक दिन चक्की से आटा निकाल रहे थे, भगवान के गुण गान गा रहे थे, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन प्रभु के चरणों में था, वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, अपने वाणी से भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, हाथ चक्की चला रहा था, पीछे पसीना आ गया। हमारे प्रभु ने सोचा कि देखो ये अमरीश राजा है, घर में दास दासियों की जमौड़ा है, भीड़ है, इतने दास दासियां हैं, किसी से करा सकता था लेकिन ये अपने हाथ से करता है, चलो इसकी सेवा मैं करता हूँ। भगवान पीछे से आके अपनी उतरिया लेकर पीछे से अमरीश के पीठ में हवा दे रहे हैं। अमरीश जी ने देखा कि तो सुगंधित चंदन का जो सुगंध है कहाँ से आया, पीछे देखा तो प्रभु खड़े हैं, पंखा दे रहे हैं। बोले प्रभु आप, बोले बस अमरीश तुम ऐसी सेवा करते रहो और तुम्हारी सेवा मैं करता हूँ। आप थोड़ा भी जब करते हो ना, आपका ध्यान रखते हैं, वो आपका चिंतन करते हैं, आपसे ज़्यादा, हम सब भक्तों से ज़्यादा भगवान हमारी चिंतन करते हैं, हमसे ज़्यादा वो देखभाल हमारी करते हैं, वो कभी उधार नहीं रखते हैं। आप एक पैर बढ़ाते हो ना उनके पास जाने के लिए, वो सैकड़ों पैर बढ़ा कर आपके पास आ जाते हैं। वो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। उन्हीं प्रभु के साथ अपने दिव्य संबंध को स्थापित करना चाहिए। ये वैराग्य से, त्याग से, संतों के संग से, भागवत के चिंतन से ये बात सीखी जा सकती है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप लोग?